नमस्कार, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले जब हम न्यू बाइक लेते थे उसका जो आरसी बुक या फिर आरसी कार्ड रहता था, आरटीओ ने पोस्टल के थ्रू 15 से 30 दिन के अंदर अपने एड्रेस पर भेज देता था। लेकिन अब 2022 से आरटीओ ने इसको बंद कर दिया है। तो अगर आप चाहे तो आप अपने आरसी बुक को या आरसी कार्ड को ऑनलाइन के थ्रू दोस्तों आप खुद निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आरसी बुक को ऑनलाइन के थ्रू कैसे डाउनलोड करते हैं ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में न्यू बाइक का आरसी बुक डाउनलोड करके देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह का नए नए वीडियो हम आपके पास सबसे पहले पहुँचा सके। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, कोई भी ब्राउजर हो, और इसमें सर्च बार में एम परिवहन लिख के सर्च कर लेते हैं। उसका ऑफिशियल वेबसाइट एम परिवहन है दोस्तों। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर एंटर कर लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ ऑनलाइन सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ देखिए उस पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी है अपना स्टेट। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे यहाँ सेलेक्ट आरटीओ लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके आप अपने आरटीओ कौन सा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने अपने आरटीओ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का न्यू इंटरफेस शो करेगा, आप नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना है और नीचे देखिए साइट में प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ देखिए दोस्तों डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स बोल के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख देना है। चलिए मैं लिख देता हूँ अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर को, और यहाँ साइट में अपना बाइक का चेचिस नंबर को लिख देना है। चलिए उसको भी लिख देते हैं। उसके बाद वैलिडेट इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देना है, इस पर टिक कर देना है। देन यहाँ अपने मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप इस जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जब आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके इस रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप इस ओटीपी को यहाँ फिल करके शो डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों ये रहा मेरा आरसी कार्ड, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, फिलहाल नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आपके पास रख सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।